हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो। आज हम बात करेंगे वसीम खान के स्टेटमेंट के ऊपर। हम सबको पता है वसीम खान जो है पाकिस्तान का CEO है, ठीक है, PCB का CEO है। और वसीम खान जो स्टेटमेंट देता है वो काफ़ी एक्यूरेट होते हैं और 75-90% वो स्टेटमेंट जेन्युइन होते हैं, ठीक है। हम सबको पता है वसीम खान ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें वसीम खान बोल रहा है कि पाकिस्तान टीम जो है इंग्लैंड का दौरा करेगी। इस कोरोना वायरस की पेंडेमिक सिचुएशन में भी पाकिस्तान टीम जो है पूरे प्लेयर्स इंग्लैंड का दौरा करेंगे और इंग्लैंड में सीरीज खेलेंगे, ठीक है। और काफ़ी न्यूज़ आई थी और लीक्स आई थी और काफ़ी रूमर्स उठ रहे थे कि PCB ने और ECB ने कोई डील की है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है और जोर दे रहा है कि अपने प्लेयर्स को कि वो इंग्लैंड जाकर सीरीज खेले। और वसीम खान ने क्लियरली बता दी कि कोई डील नहीं और हमने ECB के साथ कोई डील नहीं की कि हम आएंगे हम नहीं आएंगे। और वसीम खान ने ये भी बोला है कि कोरोना वायरस तो पेंडेमिक है लेकिन इसकी वजह से हम अपनी क्रिकेट बंद नहीं कर सकते। 3 महीने से 4 महीने से हमें काफ़ी फाइनेंशियल लॉस हो रहा है जिसकी वजह से हम इस सीरीज़ को लॉस नहीं कर सकते, इसलिए हम जो है इंग्लैंड का दौरा करेंगे और इंग्लैंड जाकर सीरीज़ खेलेंगे। और हम सीरीज़ तब खेलेंगे जब हमें इंग्लैंड पूरी तौर से श्योरिटी देगा, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है और इंग्लैंड की जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी चाहती है कि सेफ क्रिकेट हो और पाई की क्रिकेट हो। अगर इंग्लैंड की सूरत हाल काफ़ी बुरी रही तो इंग्लैंड खुद ही बोलेगा कि आप अपनी टीम ना भेजिए। हम पागल नहीं है कि हम अपनी टीम को किसी मुश्किल दराने में खड़ा कर दें। हम सबको पता है कि पहले वेस्ट इंडीज़ जाएगी फिर उसके बाद पाकिस्तान जाएगी, और पाकिस्तान भी जाएगी तो हम अपने प्लेयर्स की पूरी इंश्योरेंस करेंगे, उनका हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे और जो जो प्लेयर अवेलेबल अपने वो करेंगे हम उसको भिजवाएंगे। ये नहीं कि हम किसी भी प्लेयर को फोर्स करें कि आप जाकर खेलो आप जाकर परफॉर्म करो। और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने हमें पूरी इंश्योरिटी दी है और पूरी हेल्थ सिक्योरिटी और पूरे जो सारे जो काम होंगे सब हेल्थ के साथ होंगे। हम सबको पता है कि जो मैचेस होंगे बिहाइंड क्लोज डोर्स खेले जाएंगे। और वसीम खान ने बोला है कि पूरी सीरीज जो है खाली 2 वेन्यूज पे खेली जाएगी तो इसलिए ज़्यादा ट्रैवलिंग भी नहीं होगी। और पाकिस्तान टीम जब भी जाएगी तो 14 दिन का क्वारंटाइन होगा, फिर उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करेगी और उसके बाद मैचेज होंगे। पाकिस्तान ने वहाँ टेस्ट मैचेज भी खेलने हैं, वनडे भी खेलने हैं और T20 भी खेलने हैं। और वसीम खान ने क्लियरली बोला है कि हमने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से कोई भी डील नहीं की कि हम अपनी टीम भिजवाएंगे और आप अपनी अपनी टीम भिजवाएंगे। वसीम खान ने ये भी बोला है कि पाकिस्तान अब पूरे तौर से सिक्योर्ड है और पाकिस्तान ने इन फ्यूचर काफ़ी बड़ी बड़ी टीमें आकर सीरीज खेलेगी, टेस्ट मैचेस खेलेगी और वनडे और T20 खेलेगी। तो अगर हम किसी मुल्क की मदद करेंगे तो वो भी हमारी मदद करेगा। वसीम खान ने ये भी बोला है कि श्रीलंका के जब हालात ख़राब थे तो हमारी टीम श्रीलंका गई थी, जब हमारे हालात ख़राब थे तो श्रीलंका टीम फिर भी आई और श्रीलंका ने टेस्ट मैचेस खेले, बांग्लादेश ने भी टेस्ट मैचेस खेले। तो ये कोई भी डील नहीं है, हमें हर बोर्ड को सपोर्ट करना चाहिए। अभी इंग्लैंड के हालात ख़राब है, हमें इंग्लैंड को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये कोई भी डील नहीं है और हम कोई पैसों के रिलेटेड कोई डील नहीं कर रहे कि हम प्लेयर्स को एक्स्ट्रा पैसे देंगे कि आगे कर वहाँ परफॉर्म करो वहाँ जाकर सीरीज खेलो। और वसीम खान ने ये भी बोला है कि ECB जो है ये ऑफिशियल सीरीज जो है ये हमने 2 साल पहले होस्ट की थी जिसकी वजह से हम जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे इस तरह सपोर्ट करते रहे कि मैं रोज क्रिकेट ओपिनियन क्रिकेट न्यूज़ या कुछ ना कुछ हम इस चैनल पर लाते रहे। तो मिलता हूँ ये वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।